विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। अगर कभी आपकी अपने भाई बहन से या फिर स्कूल में अपने साथियों से कोई लड़ाई हो जाए किसी बात पर, या मन मुटाव हो जाए किसी बात पर, दोनों की राय ना मिले, तो आपकी मम्मी या आपकी अध्यापिका कैसे समझाती हैं? आप लोगों के जो बीच में झगड़ा है उसको प्यार से सुलझाने की कोशिश करती है ना? तो इसी तरह से जिस समाज में हम रहते हैं या जिस देश में हम रहते हैं उसमें इतने सारे लोग हैं, तो आपस में किसी बात पर कोई मन मुटाव होना या विचारों का ना मिलना तो होता ही रहता है, पर ऐसे में लड़ाई झगड़ा करके कोई हल नहीं निकलता। तो कोशिश क्या होनी चाहिए कि बातचीत से, आराम से एक दूसरे की बात सुने और कोई हल निकले। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की जो कविता पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें आप यही देखेंगे कि ये कामना की जा रही है, ये उम्मीद की जा रही है कि कभी ऐसा समय आएगा कि हमारे आपस के लड़ाई झगड़े सब खत्म हो। कविता का शीर्षक है वह समय कभी तो आएगा। तो एक बार हम पूरी कविता पढ़ते हैं, उसके बाद उसको समझेंगे। मेरे साथ साथ पढ़िए। वह समय कभी तो आएगा जब झगड़े दुनिया वालों के तलवार नहीं सुलझाएगी, जब पूजा होगी प्रतिभा की, जब शक्ति न पूजी जाएगी, तब कटता सारी तजकर मानव प्यार के गाने गाएगा। वह समय कभी तो आएगा जब कोई निर्धन न होगा, धरती समान बंट जाएगी, जब दुख के बादल छिटकेंगे, वसुधा सुख से भर जाएगी, चांदी के टुकड़ों के बदले जब न्याय न बेचा जाएगा। वह समय कभी तो आएगा जब दो गज धरती की खातिर एटम न चलाए जाएंगे, जब राष्ट्र किसी पर अपने बल से प्रभुता नहीं जमाएंगे, जब सत्य अहिंसा की राहों पर मानव कदम बढ़ाएगा। वह समय कभी तो आएगा। तो बच्चों, कविता को सुनकर पढ़कर आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा कि यहाँ पर उस समय के आने की कामना की गई है कि जब आपस के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, कोई दुखी या गरीब नहीं होगा, सब खुशी खुशी इस धरती पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो अब हम फिर से एक एक अनुच्छेद पढ़ेंगे और समझेंगे। वह समय कभी तो आएगा, इस पंक्ति में जो ये पंक्ति बार बार दोहराई जा रही है कविता में, इसका मतलब ये है कि उस समय की प्रतीक्षा है हमें। कवि जो ये कविता लिख रहे हैं उन्हें उस समय की प्रतीक्षा है जब ऐसा समय आएगा। कैसा? जब झगड़े दुनिया वालों के तलवार नहीं सुलझाएगी, यानी कि दुनिया में इतने लोग हैं, इतने देश हैं, तो आपस में ना किसी बात पर झगड़े तो हो जाते हैं, मनमुटाव तो हो जाता है, पर उन झगड़ों को प्यार से सुलझाया जाएगा। तलवार नहीं सुलझाएगी मतलब लड़ाइयों से वो झगड़े नहीं सुलझाए जाएंगे, बल्कि बातचीत करके प्यार से उन समस्याओं का हल निकाला जाएगा। जब पूजा होगी प्रतिभा की, शक्ति ना पूजी जाएगी, मतलब जब इस बात की कद्र की जाएगी कि कौन कितना प्रतिभाशाली है, किसके अंदर कितनी योग्यता है, इस बात की नहीं कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो प्रतिभा की, बुद्धि की पूछ होगी, बुद्धि को पूछा जाएगा, ना कि किसी की ताकत को, शक्ति को पूजा जाएगा। तब कटुता सारी तजकर मानव प्यार के गाने गाएगा। कटुता मतलब कड़वाहट, आपस की शत्रुता, वैर भाव भूल कर, तजकर मतलब त्याग कर, भूल कर मानव जो है, हर मनुष्य, हर व्यक्ति प्यार के गाने गाएगा। गाने गाने का मतलब है कि प्रेम और प्यार की बातें सब करेंगे, कोई आपसी कड़वाहट की, वैर की, द्वेष की,
दुश्मनी की बातें, लड़ाई झगड़े की बातें कोई नहीं करेगा, वह समय कभी तो आएगा। तो हमें ये विश्वास है, कवि को ये विश्वास है कि वो समय ज़रूर एक ना एक दिन आएगा जब माहौल बदल जाएगा, हम सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे और जो समस्याएं हैं उनका समाधान प्यार से बातचीत करके निकालने की कोशिश की जाएगी। जब कोई निर्धन ना होगा धरती समान बट जाएगी। मतलब अभी क्या है, किसी के पास तो इतनी ज़मीन जायदाद है, कोई बहुत धनी है और कोई बहुत निर्धन मतलब गरीब है। किसी के पास रहने के लिए छोटा सा घर भी नहीं है और किसी के पास इतने बड़े बड़े खूब सारे आलीशान मकान हैं। तो ऐसा नहीं होगा, धरती समान बटेगी सबके बीच में। जब दुख के बादल छिटकेंगे, दुख के बादल का मतलब जैसे घने बादल छा जाते हैं तो अंधकार हो जाता है, ऐसे ही जब जीवन में दुख का समय बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसा लगता है मानो चारों तरफ निराशा का अंधकार है। तो वो अंधकार के बादल, दुख के बादल जब छिटक जाएंगे मतलब दूर हो जाएंगे, वसुधा सुख से भर जाएगी। वसुधा मतलब धरती, और धरती पर हर तरफ सुख नजर आएगा। चांदी के टुकड़ों के बदले जब न्याय न बेचा जाएगा। कि अभी क्या होता है कि अगर कोई गलती करता है, कोई अपराध करता है, फिर भी उसको सजा नहीं मिलती, उसको छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे पैसे ले लिए जाते हैं। तो पैसे के बल पर लोग अपराध करके भी मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद होकर घूमते हैं। ऐसा नहीं होगा, जब न्याय और अन्याय का फैसला पैसे के बल पर नहीं होगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि किसने गलती की है और किसने, कौन बेकसूर है और कौन कसूरवार है। और जिसने कोई गलती अपराध किया होगा उसे सजा ज़रूर दी जाएगी। ऐसा समय ज़रूर आएगा, वह समय कभी तो आएगा। जब दो गज धरती की खातिर एटम न चलाए जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, विभिन्न देशों के बीच में थोड़ी थोड़ी ज़मीन के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। एटम बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब तक एक दूसरे के ऊपर फेंकने की बात हो जाती है। हमें एक देश को दूसरे देश से लड़ने के लिए या अपनी रक्षा के लिए परमाणु बम और न जाने कितनी कितनी ताकतें तैयार रखनी पड़ती हैं कि अपनी धरती बचाने के लिए, या कोई देश दूसरे देश की धरती को हड़पने के लिए लड़ाइयां करता है। तो ऐसा नहीं होगा, एक दिन ऐसा हो आएगा कि ये सब नहीं होगा। जब राष्ट्र किसी पर अपने बल से प्रभुता नहीं जमाएंगे। जब एक राष्ट्र, एक देश दूसरे देश पर किसी भी वजह से अपना अधिकार जमाने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी क्या होता है कि एक देश किसी दूसरे देश के किसी हिस्से पर या किसी कमज़ोर देश पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करता है, जिस वजह से लड़ाइयां पैदा होती हैं। तो ऐसा भी नहीं होगा, एक दिन सारी लड़ाइयां दूर हो जाएंगी। जब सत्य अहिंसा की राहों पर मानव कदम बढ़ाएगा। जब हम सब, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव सत्य और अहिंसा की राह पर चलना चाहेगा, यानी कि कोई झूठ या हिंसा का सहारा नहीं लेगा, बल्कि सब सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम की राह पर आगे कदम बढ़ाना चाहेंगे, वह समय कभी तो आएगा। तो कवि को विश्वास है और वो हमें भी ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसा समय एक दिन ज़रूर आएगा। देखा बच्चों कि अगर ऐसा समय आए जैसा कि कवि ने इस कविता में कामना की है तो सभी कितने खुश हो जाएंगे। हमें भी अच्छा लगेगा और सबको अच्छा लगेगा, सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो ऐसे समय की सिर्फ कामना नहीं करनी है, बल्कि हमने ऐसा समय लाकर दिखाना है। क्योंकि आज जो बुराइयां हैं हमारे आसपास, वो भी हम जैसे लोगों ने ही फैलाई हुई हैं, और उन बुराइयों को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो भी हम ही कर सकते हैं। तो जब आप लोग बड़े होंगे तो आपको मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना है, तभी धीरे धीरे आप उन बुराइयों को दूर कर पाएंगे। और फिर वो समय ज़रूर आएगा जब हर तरफ खुशहाली होगी और कोई भी दुखी और निराश नहीं होगा।
विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।